ఎనిమిది నెలలుగా రష్యా సైనికుల నిర్బంధంలో ఉండి సురక్షితంగా ఇంటికి చేరుకున్న నారాయణపేట వాసి. నారాయణపేట జిల్లా కేంద్రానికి చెందిన మొహమ్మద్ సూఫియాన్ దుబాయ్లో కూలీ పని చేస్తూ జీవనం కొనసాగిస్తుండేవాడు. దుబాయ్లో బ్రోకర్ మాయమాటలు నమ్మి అక్కడి నుండి గత సంవత్సరం డిసెంబర్లో రష్యా చేరుకున్నాడు. నెలపాటు పనిచేసిన తర్వాత సూఫియాన్ను రష్యా ఉక్రెయిన్ యుద్ధం కారణంగా వారికి షూటింగ్లో మెలకువలు నేర్పి బలవంతంగా వారిని సైన్యంలో చేర్చుకున్నారు. ఎనిమిది నెలల పాటు నరకయాతన అనుభవించాడు. దేశ ప్రధాని మోడీ యంత్రాంగం పనిచేయడంతో గత 2 రోజుల క్రితం 45 మందిని రష్యా నుండి భారత్కి పంపడం జరిగింది. అందులో నారాయణపేట జిల్లా కేంద్రానికి చెందిన సూఫియాన్ ఉండడంతో నేడు పట్టణంలోనే తన నివాసానికి చేరుకోవడం జరిగింది. దీంతో కుటుంబ సభ్యులు మరియు నివాస ప్రాంత సభ్యులు ఆనందంతో పరవశించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, నేను సురక్షితంగా భారతదేశం చేరడానికి సహకరించిన రష్యాలో ఉన్న ఇండియన్ ఎంబసీకి మరియు భారతదేశ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గారికి, విదేశాంగ శాఖ మంత్రికి, రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రికి, స్థానిక ఎమ్మెల్యే పర్ణికారెడ్డికి ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयद इलियास हुसैनी. मैं रशिया आया था जॉब करने के लिए एजेंट के थ्रू. एजेंट का नाम है बाबा और उसका यूट्यूब पे चैनल है बाबा ब्लॉग्स. उसने हमको बताया था कि तुम लोग का जॉब रहेगा सिक्योरिटी का. उसने हमसे सिक्योरिटी का जॉब बोल के और 3 लाख रुपये लिया हमसे. 3 लाख रुपये ले के हमको हम लोग रशिया आने के बाद वो हमको आर्मी में डाल दिया. मैं हम लोग 4 दोस्त लोग मिल के लगाए थे. दुबई में उसकी ऑफिस है, उसके ऑफिस पे जाके बात करके लगाए थे हम लोग. उसने फिर भी बताया कि सिक्योरिटी की जॉब है. इधर आने के बाद हमको मिलिट्री में डाल दिया है. टोटल हम लोग इंडिया से 6 आए थे, 4 हम दोस्त लोग हैं और 2 अन्नून हैं, 1 गुजरात से और 1 कश्मीर से. ये देखो मेरे दोस्त लोग. मेरा नाम मोहम्मद समीर अहमद है. हमको बाबा व्लॉग की तरफ से आए हैं रशिया में और आर्मी में लगाया है पूरा काम. पूरा यूक्रेन बॉर्डर में है हम. यहाँ पे वो फ्रॉड किया है बाबा व्लॉग. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुफियान मोहम्मद है. बाबा के ब्लॉग के तरफ से हम लोग रशिया आए थे. हम लोग के साथ फ्रॉड हुआ है. आपसे गुजारिश है हम लोग को सेव करें. तो देख लिया आप, हम मेरे 2 दोस्त लोग से भी बात हुई है और एक जो मेरा दोस्त है वो हमसे अलग हो चुका है. अभी वो किधर डाला है, उसको क्या है, हमको कुछ पता नहीं है. अता ना पता वो कौन सी जगह पे, कुछ न्यूज़ नहीं है. अभी हम लोग को फिर इधर से किधर लेके जाएंगे हम लोग को वो भी नहीं मालूम है. और ये लोग इतना होने के बाद भी हम लोग को बोल रहे हैं, एजेंट लोग को, हम लोग को आर्मी में डाला है. तो तभी भी वो बोल रहे कि नहीं, तुम लोग को बॉर्डर पर नहीं लेके जाएंगे, तुम लोग की जॉब सिक्योरिटी रहेगी, तुम लोग की ट्रेनिंग चल रही है, ऐसा वैसा बता रहे वो लोग. ये देखो हम लोग की हालत देखो, अपने कपड़े देखो अभी सामने, पूरा हम लोग आर्मी के कपड़े पहने हुए देख रहे हैं आप लोग. ये देखिए पूरा, देखिए ये देखिए पूरा जंगल है. ले ले इधर. सबर किए, इन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया. अलग अलग है जो बहुत बहुत शुक्रिया. बस इतना ही कहना था. दुबई में जॉब करता था, मेरे साथ में और दोस्त लोग हैं. तो एक दोस्त ने देखा था वीडियोस बाबा ब्लॉग जो जॉब का है, सिक्योरिटी जॉब हेल्पर का, उसका वीडियो देखे थे. उधर 2 साल हो गया था मेरे को. वहाँ पे अप्लाई करके वीज़ा लगने के बाद मैं घर पे आया, इंडिया आया 15 दिन छुट्टी के लिए. छुट्टी बना के फिर मैं यहाँ से चेन्नई गया. चेन्नई से हम लोग को दुबई का टिकट था शारजा, दुबई से फिर मॉस्को का टिकट था. तो बाबा ने क्या किया, हम लोग को मॉस्को चेन्नई से टिकट करवा के
दुबई तक लेके गया। दुबई को लेके जाने के बाद मॉस्को पहुँचे। मॉस्को पहुँचने के बाद उसका और एक बंदा था जो उनका टीम का था बाबा का, तो उसने हमको पिकअप किया। पिकअप करके एक अपार्टमेंट में लेके गया, वहाँ पे एक दो दिन रखा। दो दिन रखने के बाद उसका जो भी कॉन्टैक्ट है उधर कॉल किया, बंदे आए हुए इन लोग को लेके जाइए। वहाँ से एक वैन आया, आर्मी वाला वैन आया, मतलब नॉर्मली वाइट वैन, आर्मी का गाड़ी तो अलग ही रहता है। तो वो वैन में हम लोग को लेके गए। वहाँ से मॉस्को से 400 किलोमीटर पे कोस्तारामा, वहाँ पे हेडक्वार्टर है, वहाँ पे एक दो दिन रुके। फिर बाद में हम लोग को ATM कार्ड, बैंक डिटेल्स, वो ये सब सिग्नेचर, कॉन्ट्रैक्ट पे सिग्नेचर विग्नेचर करा। हम लोग सिग्नेचर इसलिए किए क्या सिक्योरिटी हेल्पर जॉब है बोल के बाबा ने बोला था हम लोग, इसलिए खाली आप कुछ भी पूछिए मत, सिग्नेचर करिए, सिग्नेचर कर दिए। जब हेडक्वार्टर पहुंचा हम लोग के पास मोबाइल नहीं था, वो रशियन लैंग्वेज में था जो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किए, पूरा रशिया लैंग्वेज में था। नॉर्मली साइन करके वहाँ से निकले। वहाँ से निकलने के बाद और एक एक जगह जहाँ पे लोग पॉलीगॉन है, मतलब ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ से ले लेके गए। वहाँ पे रात में पहुँचाए, पूरा एरिया जंगल का एरिया था, जंगल के एरिया था। वहाँ पे रहने के बाद फिर सुबह में उठा के हमारे नाम से गन दे दिए, मैगजीन वगैरह दे दिए, जॉकेट वगैरह दे दिए, थोड़ा ट्रेनिंग चालू किए सब। वहाँ से मोहम्मद सुफियान, मैं नारायणपेट तेलंगाना स्टेट से हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मैं सही सलामत पहुँच गया। और PM मोदी जी, जयशंकर सर, इंडिया एम्बेसी जो भी मॉस्को में हमारे लिए बहुत हेल्प किए, इंडिया एम्बेसी दिल्ली में भाई भी गए थे, सबके फैमिली वाले भी गए थे, वहाँ पे भी बात किए, वहाँ पे भी अच्छा रिस्पांस आया, सब हेल्प किए, सबका बहुत बहुत थैंक यू सो मच। చేయండి, షేర్ చేయండి, కోసం ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, అలాగే ఇక్కడ ఉండే ఈ గంట సింబల్ ని క్లిక్ చేయండి. మేము అప్డేట్ చేసే ప్రతి వీడియో నోటిఫికేషన్స్ మీకు వచ్చేస్తాయి.